जो हुक्मरान है जैसे नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ है, उनके लिए लेसन है कि अगर दो सिटीजन्स जो कि आम नागरिक हैं वो ये पीस प्राइज़ ले सकते हैं, तो हायर लेवल पे जो हमारे हुक्मरान हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज़ वो भी हकदार बन सकते हैं अगर वो कुछ ऐसा स्टेप उठाए कि जिससे पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि हम पीस के लिए जो भी स्टेप्स है उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक हिंदुस्तान के नागरिक को दिया और दूसरा पाकिस्तान के नागरिक को दिया है। अब निश्चित रूप से यहाँ पे जब तक ये दो मुल्कों के डिस्प्यूट्स को मद्देनजर रख के बात आगे ना बढ़ाए तब तक मुझे लग रहा है कि ये सब बेकार है। द स्ट्रगल्स ऑफ मलाला एंड कैलाश आर अगेंस्ट द फेलियर्स ऑफ द इंडियन एंड द पाकिस्तानी स्टेट्स। So it's actually an award against Indian and the Pakistani government because they have failed to protect the rights of the people, ordinary people in India and Pakistan. I don't think that much will change even after these awards. But yes, the struggle of the ordinary people, of these activists like Malala and Kailash, I think it will get popularized in Pakistan and popularized in India. And hopefully a lot of young people will take up this struggle forward. Thank you so much.